हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं देखो ये पोहा ली हूँ और इससे बनाने वाली हूँ अच्छा वाला नाश्ता। पोहे को पीस लेती हूँ, अच्छे से मैंने बीन लिया था और इसके बाद इसे देखो ऐसे पीस लिया है मिक्सी में डाल के, और कढ़ाई में डाला पानी। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला, थोड़ा जीरा पाउडर, नमक, धनिया सारे मैंने डाले। अब जो चूड़ा मैंने पीसा था ना पोहे, वो मैं इसमें डाल दी हूँ। नमक भी डाला है स्वाद के अनुसार। अब इसका मुझे अच्छा सा डो बनाना है। इसे निकाल देती हूँ थाली में। अब इसको मसल मसल के ऐसे ही हाथ में पानी लगा के, और इसका अच्छे से देखो डो बना के तैयार किया है मैंने। कढ़ाई में डाला तेल, राई, सौंफ डाला है और हरी मिर्ची डाली है, प्याज डाला है। इसे भून लेती हूँ। कड़ी पत्ता है, थोड़े से थे मैंने इसमें डाल दिया। टमाटर डाला है एक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मसाला डाला, गरम मसाला डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है, और मैं आलू उबाल के रखी थी, आलू इसमें मिक्स कर देती हूँ। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार, धनिया पत्ती डाल देती हूँ। ये अच्छा सा मटेरियल बन के तैयार है। इसी से बनाऊंगी मैं नाश्ता। ये डो जो मैंने लगा के रखा था गुथ के पोहे का, उसको ऐसे चकली करके उसमें भरूंगी चम्मच के सहायता से, और पानी लगा के, और इसका अच्छा सा यही आकार दूंगी मैं। ऐसे ये आसानी से बन जाता है, इसलिए मैं इसी तरीके से इसे बनाने वाली हूँ। सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। बहुत आसानी से नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, कमती खर्चे में, और बहुत झटपट बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे चटनी से भी इसे खा सकते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं। छोटे बच्चे तो ऐसे ही लेके भाग जाते हैं, ऐसे ही खाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समोसे के जैसे बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। ये देख लीजिए, मैंने बहुत थोड़े से तेल डाले थे कढ़ाई में, ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी ये चूड़े का है, तेल बिल्कुल नहीं सोखता है। इसी तरीके से मैं सारे फ्राई करके निकालूंगी। देखो ब्राउन हो चुका है, बहुत झटपट से बन जाता है। देख लीजिए, रेडी है हमारा नाश्ता। मैंने टमाटो सॉस लिया है, चटनी लिया है दोस्तों। आप भी ऐसे ही बनाएं, खाएं, देख लीजिए कितना करारा बन के तैयार है। आप भी ऐसे ही बनाएं, खाएं और एंजॉय करें दोस्तों। बाय बाय।